नमस्कार, अभी मैं राजस्थान के एक गांव एलेना में हूँ और ये जितने लोग हैं वो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे देखते हैं और सबके सब इसमें व्यवसायी हैं। देखने से आपको यदि लगेगा कि सब ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और मुझे भी यही अंदाजा था कि सब भाई जिस तरह से बातें कर रहे हैं, बातचीत में हमें हमेशा लगा कि भाई कम से कम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो जरूर होंगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं ये सब, ठीक ठाक बिजनेस गुजरात से लेकर के चेन्नई तक में इनका है सब। धीरे धीरे पहले अपना अपना परिचय दे दीजिए आप अपने से। आप ललित हूँ, मेरा बिजनेस चेन्नई, सूरत, वापी और अहमदाबाद। शिक्षा आपकी? शिक्षा नाइन्थ है। अनुराज, जरा जोर से बोलिएगा अपना अपना नाम। हाँ, अनुराज, मद्रास त्रिपुर में रहता हूँ, वेलाना में काम करता हूँ, यहाँ का वास वेलाना। और क्या छठी पास किया या छोड़ दिया बीच में? पास किया। मैं बाबूलाल जैन, मेरा बिजनेस जो है वो है अहमदाबाद में है, हमारे भाई साहब सब कर्नाटक मैसूर में है और मैं राजस्थान मूल निवासी एलाना गाँव। और सात जब मैं सेवेंथ में था मेरी शादी हो गई थी और फिर एजुकेशन छोड़ दिया था। मैं चंदन मोल, चेन्नई प्रवासी, टॉयस का काम है हमारा, फैक्ट्री भी है, टॉयस भी चलाते हैं और मूल निवासी एलाना है। पढ़ाई एजुकेशन नहीं के बराबर, सेवन तक जो है वो एलाना का निवासी हूँ और तमिलनाडु में विलुपुरम में मेरा व्यवसाय है और इलेक्ट्रॉनिक का काम काज है और पढ़ाई मेरी 8th तक है, 8वीं तक, बाकी चलते। जब मैं पहली बार 2010 में गुजरात गया था गोधरा पे जजमेंट को कवर करने के लिए, तो मैं अहमदाबाद के प्रेस क्लब में, मुझे कुछ पत्रकार साथी ले गए, अहमदाबाद के ही थे वो, और बातचीत में से करते हुए कहा कि अहमदाबादी ये सोचता है कि वो 8वीं से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेगा और 8वीं पास करने के बाद वो 2-4 ग्रेजुएट जो है रख लेगा कंप्यूटर उसके चलाने के लिए। तो मुझे शुरू में लगा कि वो मेरी मजाक उड़ा रहा है, मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मास कम्युनिकेशन किया हुआ है देश के सबसे बेहतरीन संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया से, 20 साल मेनस्ट्रीम मीडिया में रगड़ा है खुद को, बहुत संघर्ष किया है। पिता चूंकि इंजीनियर रिटायर थे तो प्रेशर था कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग से मेरा लगाव था नहीं तो डॉक्टर बनने के लिए मैंने 3 अटैम्प्ट दिए, 2 अटैम्प्ट तो पहला दूसरा वाला तो लगभग नज़दीक से पटके छूट के चलाया, तीसरी बार मैं बहुत पीछे पिछड़ गया, ऐसा लगा कि यदि डॉक्टर नहीं बनूंगा तो क्या होगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पिता इंजीनियर हैं, उस समय एक्सिक्यूटिव इंजीनियर थे, वो बड़ा रुतबा था पिता का, और यदि मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाया तो फिर उसके बाद क्या करूँगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा। लेकिन चूँकि मैं थोड़ा अखबार और इस सब की चीज़ों से शुरू से लगाव था, डिबेट उबेट करता था, कुछ दूसरे किस्म का था, तो मास कॉम करने लगा, पत्रकारिता की पढ़ाई की, उसके बाद बहुत संघर्ष के बाद 4000 की नौकरी लगी थी। ये बात सन 2000 की है, 4000 की 2000 में भी ऐसा नहीं था कि कुछ ढंग का पैसा था, कुछ भी नहीं था, एक आदमी अपने परिवार चलाने लायक भी नहीं था, फिर लगता था कि ज़िंदगी चलेगी कैसे। मेडिकल की तैयारी कर रहा था और ये मेरी समस्या नहीं थी, मेरे कई जानकार थे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, फ्रस्ट्रेशन में लग रहा था सुसाइड कर लेंगे। उसके बाद जब पढ़ लिख लोग ज़्यादा जाता है तो उसके पास एक ही विकल्प होता है, या तो लेक्चररशिप में जाए या पत्रकार बन जाए, क्योंकि जब ज़्यादा शिक्षा आपकी हो जाती है तो वो ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है और यही कारण है कि बड़े पैमाने पे लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोटा में बिहार और यूपी के बच्चे अक्सर सुसाइड करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है यदि वो इंजीनियरिंग नहीं करे तो क्या होगा, जमीन बेच बेच करके बिहार यूपी के माँ बाप अपने बच्चों को कोटा में इंजीनियरिंग कराते हैं और उसके बाद इतने सेलेक्टिव चीज है इंजीनियरिंग मेडिकल, कितने बच्चों का हो पाता है। आसपास के साथियों का इंजीनियरिंग हो गया, उनका नहीं हो पाया, अक्सर सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि मैंने अपने मां बाप के पैसे को बर्बाद कर दिया। ये चौपाल ऐसे ही कैजुअली हमारी बातचीत में जब मुझे पता चला, चूंकि बाबूलाल जी हैं, इनसे करीब साल भर पुराना परिचय है, इन्होंने एक बार मुझे कहा था कि आपको देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है, आपको जब तक सुनू नहीं मेरे लिए लोड़ी है, मैं 10 मिनट में सो जाता हूं। मुझे लगा यूं ही बोल रहे हैं। जब मैं आया अहमदाबाद तो मैंने महसूस किया कि बात सच है। इन्होंने कहा दिन की साथ साथ ही मेरा फैक्ट्री है और रात के साथ ही आप हैं।
तो ऐसे ही मैंने आज इनसे पूछ लिया, पूछ नहीं लिया, इन्होंने कह दिया कि ये जो हम इनके साथ ही बचपन के मित्र हैं, दोनों एक साथ स्कूली शिक्षा एक साथ, तो मुझे लगा मैट्रिक करके चले गए होंगे बाहर, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट किया होगा, ग्रेजुएट तो कम से कम जरूर होंगे, एक बिहारी मेंटेलिटी, यूपी बिहार के लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो अब चूंकि बचपन के साथ ही है, तो मजाक में कहा ये छठी पास है, तो मुझे लगा मजाक उड़ा रहे हैं इनका। फिर इन्होंने कहा कि मैं सातवीं पास हूं, तब मुझे कहा अच्छा। फिर मैंने इनके बारे में, चूंकि कल इन्होंने मुझे कहा कि आपके कारण मैं चेन्नई, मुझे जाना था, मैं रुक गया एक दिन के लिए, तो चंदनमल जी हैं इनके लिए, मुझे लगा कि ये कम से कम ये तो ग्रेजुएट जरूर होंगे, क्योंकि देखने से लग रहा था बात विचार से बड़ी शालीनता, तो पढ़ाई लिखाई से ही कहते हैं शालीनता आती है, तो मुझे लगा कि चंदनमल जी कम से कम, मैंने इनसे पूछा वो जो चंदनमल जी है कितना है, वो तो ग्रेजुएट होंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं वो भी मेरी तरह है वो भी। तब इन्होंने कहा आपके एक और दीवाने हैं, तो भाई साहब आए, ललित कुमार जी आए, तो इन्होंने कहा कि इनके बारे में क्या, तो इन्होंने कहा नौवीं पास है। अब सोचिए कि मैं अपने वीडियो शो में भी कई बार लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव के लिए कटाक्ष में कहता हूं नौमी फेल, नौमी फेल, तो यहां तो नौमी फेल, यहां छठी फेल, सातवीं फेल लोग हैं, और छठी और सातवीं फेल हैं। आप कितनी भाषा जानते हैं आप? तीन भाषा। तीन भाषा, कौन कौन सी भाषा जानते हैं? राजस्थानी हिंदी, तमिल, राजस्थानी यहाँ की, यहाँ की, और ये हिंदी। और ये जो साफे में आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान के ग्रामीण मालूम पड़ जाता है। इन्होंने मुझे कहा कि तमिलनाडु में जब जाते हैं तो एकदम बिल्कुल पैंट शर्ट पहन करके व्यापारी नजर आने लगते हैं, यहाँ पर आकर के देशज हो गए हैं। अब जरा आप लोग अपना अपना अनुभव बताइए, मैंने तो बोल लिया, आप बताइए कि पढ़ाई लिखाई का जीवन से क्या वास्ता, इतना लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, डॉक्टर नहीं बनोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे, कैसे जिंदगी है जिसके, जिसका बैकग्राउंड अगर बिजनेस से है, बिजनेस से है या इंडस्ट्री से है, उसको तो पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, वो अपनी जिंदगी के साल जो है वो वेस्ट कर रहा है। हायर मिल जाते हैं लोगों को, जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, उनको हायर कर दो ना, उनको रोजगार मिल जाएंगे और अपनी टाइम वेस्ट नहीं होगी। पढ़ने से क्या होगा, ठीक ठीक पढ़ लो कि टोटल मारना आवे, साइन करना आवे और समझ में आवे क्या लिखा है, उससे ज्यादा क्या जरूरत है। मतलब आप लोग एक तरह से पूरी शिक्षा प्रणाली को ही बता रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली ही गलत है, और ये प्रेशर जो है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, आप लोग रोजगार देने वाले हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये जब बोलते हैं कि भाई रोजगार नहीं है, रोजगार किसके लिए नहीं है, पढ़े लिखे के लिए नहीं है ना, तो सरकारी नौकरी होगी, अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो सब काम अपन हम लोग करेंगे तो रोजगार मिलेगा कैसे, हायर कर लो ना। मैं अपना एक इंजीनियर था, उसको 1.5 लाख रुपए पगार दे रहा था महीने का। आप दे रहे थे पगार? हाँ, महीने का बराबर। अभी मेरा अकाउंटेंट है, मैं उसको 60,000 रुपए दे रहा हूँ। 60,000 की नौकरी पाने के लिए जिंदगी भर आदमी और, 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 और मेरे को अभी भी 40 आदमी चाहिए अगर है तो। बेरोजगारी नहीं है, सबको सबको पीएम बनना है, सीएम बनना है, मिनिस्टर बनना, तो वो बनेंगे नहीं, मुझे भी बनना है लेकिन नहीं बन सकता हूं ना, अपनी काबिलियत होनी चाहिए, अपनी काबिलियत है, पढ़े लिखे हो तो वो लोग छोटा काम करेंगे नहीं, उसको कुर्सी चाहिए, सबको तो नहीं मिलेगी ना। बिल्कुल। और कुछ भी आप लोग, हर किसी ने, आप लोगों में से सबने संघर्ष किया होगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं मिल जाता। मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया? मैंने संघर्ष नहीं किया है। बताइए जरा अपने बारे में, नौवीं पास करने के बाद आप क्या करा आपने? बस नौवीं के बाद तो 4-5 साल घुमा ऐसे ही। हाँ। बराबर। अच्छा। फिर कोई ऐसा प्रसंग आया घर में, कोई फंक्शन था तो मैं अकेला था दुकान पे। हाँ। तो उसके बाद लाइन पे आया। हाँ। ये मेरा पास्ट हिस्ट्री है और मेरा बचपन जो गुजरा है, मैं कभी रोड पे नहीं चला। अच्छा। मेरे पास 500 आदमी काम करते थे, हम लोग माइका माइनिंग में थे, माइनिंग बिजनेस में थे। हम लोगों का जयपुर में का माइनिंग, जयपुर में था, आंध्रा में था, मतलब पिताजी का भी बिजनेस था। हाँ? पिताजी का बिजनेस था। अच्छा अच्छा, अच्छा। और उनका भी कोई एजुकेशन नहीं था, और पिताजी का भी एजुकेशन कुछ नहीं था। नहीं, जरूरत ही नहीं है ना,
मैं आपको बोल रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई में, इतने साल लोग एमबीए करते हैं, 12 साल ये, 3 साल 15 और 3 18 साल, लाखों रुपया फीस का बराबर है। मेरा मेरा पोता बोलता है मेरे को फॉरेन पढ़ने के लिए जाता हूँ, वो सब्जेक्ट में फेल हो गया, मैं तो खुश हो गया। फेल हो गया पोता आपका? अच्छा बेटा ने, बेटे ने कितनी पढ़ाई? मेरा बेटा नहीं पोता। अच्छा पोता बराबर खुश हो गया कि वो अपना 3-5 साल खराब करता, मैं यहाँ पे उसको 5 साल में काम में लगा दूंगा। कहाँ तक की पढ़ाई की पोते ने? उसने बीकॉम किया है, उसको फॉरेन जाना था पढ़ने के लिए। मैं बोला बैठ अभी जाना है, मैं बोला एग्जाम दे दे, फेल हो गया अच्छा हुआ, मैं तो प्रार्थना बाबूलाल जी पूछो, मैं प्रार्थना करता था कि फेल हो जाओ, फेल हो जाता कि फॉरेन जाना बचा बराबर। फिर उसको अभी दुकान करके दे दी है, वो जाने उसका काम जाना। काम है लिया आपने पोता को? प्लास्टिक का है। प्लास्टिक है सब, एक ही बिजनेस है। अनुराग जी आप कुछ बताइए अपने बारे में। मैं तो 11 साल तो सर्विस किया हूँ। अच्छा इनके ससुर के यहाँ, इनके ससुर के यहाँ सर्विस किया आपने? हाँ। उसके बाद इसीलिए तो भाई साहब है ना, मैंने बोला तुम्हारी बहन का घर है। अलग दुकान किया फिर भागीदारी में। कहाँ पर? चेन्नई में। चेन्नई में किस चीज का दुकान है आपका? ये धागा बटन का। धागा मतलब बटन का? टेलरिंग मटेरियल। टेलरिंग मटेरियल चेन्नई में करते हैं ये काम। फिर धीरे धीरे करके सब 5 भाई जैसे भी साथ में आ गए। हाँ फिर भी चल रहा है कोई एक। कितने लोग काम करते हैं आपके अंदर में? मेरे इधर में 10-15 आदमी काम करते हैं। 10-15 आदमी काम करते हैं। और अहमदाबाद की फैक्ट्री में कितना काम करने वाले कौन पास हो? अहमदाबाद में तो कर रहे हैं 10-15 बड़े आदमी। मतलब करीबन इन लोगों ने मिनिमम मिनिमम एक भाई चेन्नई है जैसे मुझे पता है, ये ढंग से बता नहीं पाएंगे। एक भाई चेन्नई है, इनके ये 3 भाई त्रिपुर है, इन्होंने कम से कम 50-60 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। और दूसरे इधर में अहमदाबाद 2-4 आदमी तो रहे, दो भाई रहे अहमदाबाद। हाँ तो आपके बचपन के दोस्त हैं तो बेहतर यही बताएंगे। बाबूलाल जी आप अपना बताइए। और बहुत संघर्ष करने आया है? मैंने मेरी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं किया है। जो भी देन है मेरे बड़े भाइयों की देन है, उन्होंने मेरे बड़े भाइयों ने मुझे रेडीमेड कुर्सी दी है। बड़े भाइयों ने रेडीमेड कुर्सी दी है मेरे? रेडीमेड कुर्सी, रेडीमेड बिजनेस दिया हमको। हाँ संघर्ष उन्होंने किया, मतलब हमारे घर में कुछ था नहीं और वो गए संघर्ष किया, 4 पैसे कमाए। और आपके भाई पढ़े लिखे थे? नहीं मेरे भाई तो ऐसे ही थे, दो बड़े भाई है वो तो जीरो थे, जिन्होंने हमको तैयार किया, जिन्होंने हमको वो पुरानी पढ़े पड़े चाणक्य की पढ़े पड़े हुए, वो गुरुकुल की पढ़ाई थी। गुरुकुल की। आपका काम क्या है बताइए? मेरा हमारे भाइयों का जो है गारमेंट का बिजनेस था, और फिर मैं गारमेंट की फैक्ट्री लाइन में आया, और फिर मेरा गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग काम है। और मेरे बच्चे के देहांत के पहले करीबन 150-200 लोगों को मेरा रोजगार देने का काम था, करीबन 150-200 लोग मेरे पास काम करते थे। और बेटे के ऑफ होने के बाद मैंने बिजनेस को लिमिट कर दिया। बाबूलाल जी की कुछ दुख भरी दास्तान है, और लेकिन यही है कि इस चीज़ को समझिए, अपने आप में एक प्रेरक हैं, क्योंकि इनके साथ जुड़ने से पता चला कि इनके एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये भी जीवन की एक समझने की जरूरत है कि बच्चे कई बार जब फंस जाते हैं, इस सोशल मीडिया के दौर में ये प्रेरक हैं एक पिता के रूप में, कि बच्चे इस युग में जब फंसते हैं सोशल मीडिया में, अब व्हाट्सएप फेसबुक और खास करके जो इंस्टाग्राम के चक्कर में, उससे कैसे अपने परिवार और पुरखे को तबाह कर देते हैं उसकी वानगी है। ये व्यक्ति एक ठीक ठाक फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन जिसके पास सब कुछ था उस आदमी ने सोशल मीडिया के इस बहकावे में बह करके न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की है, बल्कि अपने माता पिता की और उनके जो शुभचिंतक हैं वो भी जब आते हैं तो दुख में बह जाते हैं। जब कभी भी इनके पास चर्चा, चूंकि इन्होंने छेड़ दिया, इसलिए जानना इस सोसाइटी को एक मैसेज है कि आप अपने बच्चों पर निगरानी रखिए, उनसे पूछा कीजिए कि आपको पता नहीं कि वो कहां कब भटक रहा है। आप कमा तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन आप क्या गंवा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को भी चाहिए कि यदि वो परेशानी में है तो उसे माता पिता से साझा करनी चाहिए, यदि दर्द है तो उसके माँ बाप ही उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं, आत्महत्या नहीं है। और आत्महत्या ये देखिए फिर वही घूम करके आता है कि बिहार यूपी के बच्चे इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं कि ग्रेजुएट कर गए, इंजीनियरिंग की तैयारी की, लाखों रुपया बहा दिया और वो नहीं बन पाए।
इंजीनियर ना बन पाना, डॉक्टर ना बन पाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो आज खुश हूं। मुझे हमेशा लगता है कि कई बार जो कहावत कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, और ये बिल्कुल सच है कि मन का ना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब है कि वो ऊपर वाले के मन का है। आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। जी जी जी, मैंने तो बचपन में बहुत संघर्ष किया हुआ है, बहुत नहीं ज्यादा संघर्ष किया हुआ है। कैसे ओले ओले उठ के ऊपर आए हैं, मतलब अभी सुखी है। मेरा मानना है कि एजुकेशन जरूरी है, जरूरी है। अब एजुकेशन हमने नहीं लिया, पछतावा उसके लिए। अच्छा अच्छा, हमें पछतावा क्योंकि उस कंडीशन में थे ही नहीं हम कि अच्छा हाईली एजुकेशन ले सके, उस पोजिशन में थे नहीं। लेकिन प्लस टू करना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। और जो हमारे बच्चे वगैरह सब एजुकेटेड है। अब नहीं है, अब हमारी उम्र हो गई, हमारा काम चला गया, मतलब उम्र चली गई हमारी और हमारा काम चल ही रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। आज भी 15-20 आदमी को रोजगार देते हैं हम। क्या काम है आपका? हमारा टॉयस का, खिलौने का काम है। मद्रास में ही है खिलौने का काम। हाँ, तो फैक्ट्री भी है, फैक्ट्री है आपकी। हाँ, और बिहार से ही आदमी हमारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरे बिहार के ग्रेजुएट लड़के भी आपके यहाँ काम करते होंगे। नहीं, ग्रेजुएट नहीं है, वो सब मजदूर। देखिए, पूरे मजदूर। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा हम इसका इस चौपाल का मतलब ये नहीं है कि हम शिक्षा का विरोध करने बैठे हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए जी, पांचवी पास छोड़ी, ये इसके लिए नहीं बैठे हैं। इसके लिए बैठे हुए हैं कि बिना पढ़े लिखे भी आप बेहतर रास्ता तय कर सकते हैं। यदि पढ़ाई नहीं, इनने इसमें से कोई जान बूझ करके नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं है। उनके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आएगी, कोई ना कोई वजह होगी, कभी जो है बाल मन में जो कुछ भटका हुआ, जैसे कि अनुराग जी कह रहे हैं कि वो छठी पास करके निकल लिए। तो ये बेसिकली उद्देश्य हम सब का ये है। हाँ, कि शिक्षा जरूरी है। हाँ, जरूर, और पढ़ना बुरी चीज नहीं है, पढ़ना नहीं, तो बहुत अच्छी चीज है चाहिए। और खूब पढ़ना चाहिए, चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी ये मिसाल ये लोग हैं कि बिना पढ़ लिख करके भी ना सिर्फ रोजगार कर रहे हैं, बहुतों को रोजगार दे रहे हैं। फिर भी अच्छी बात कह रही चंद्रमल जी ने कहा कि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसका मतलब ये नहीं कि बुजुर्ग लोग जो बैठे हुए हैं गंभीर आदमी है, कोई पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहा। हर कोई कह रहा है कि पढ़ना लिख, लेकिन ये नहीं कि हम नहीं पढ़ पाए अब क्या होगा जी। हाँ, वैसा नहीं था। संघर्ष किया हमने, नहीं पढ़े फिर भी रेल पे खड़े हो गए, मतलब बच्चों को संभाला। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बनने पर मुझे वो सम्मान नहीं मिलता जो आज मुझे मिल रहा है। बिल्कुल सही बात। तो हो सकता है कि यदि मैं डॉक्टर बनता तो मक्खी मार डॉक्टर बनता। हाँ। मेरे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि तुम यदि डॉक्टर बन भी जाओ, जैसे क्लास में मजाक करते हैं ना, तो कहते तुम ये तो कुछ बन नहीं पाओगे, यदि बनोगे तो मक्खी मार डॉक्टर। वो हर किसी को यही बोलते हैं मारवाड़ी समाज में। जी जी, मारवाड़ी समाज में आधी अधूरी पढ़ाई करे, समझो इंजीनियर हो जावे, मैकेनिकल इंजीनियर हो जावे, सिविल इंजीनियर हो जावे, बराबर, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। उसका रीजन क्या है कि उसकी हमारी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि सामने वाला हमको अफोर्ड नहीं कर सकता है। बराबर। हमको तो अपने बिजनेस में आना पड़ता है। मेरे तीन भाई इंजीनियर है, एक भाई इंजीनियर है, दो भतीजे इंजीनियर है, एक कैनेडा में है, बाकी दोनों धंधे में है। हमारी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि आपको 10,000 रुपया पगार देंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, कि हम लोग दूसरे को जॉब दे रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई देख मैं इसको 50,000 दे रहा हूँ, तू क्यों उधर जा रहा है, इधर बैठना। मतलब ये डिफरेंस है। बिल्कुण, ये राजस्थान की समाज में ये डिफरेंस है। जो आप यूपी की बिहार की बात बोल रहे हो कि वो तो ये कल्चर में है ही नहीं, बिजनेस कल्चर में नहीं है। इसके लिए उनको नौकरी बहुत जरूरी है। कुछ चीजें भौगोलिक भी होती है। अच्छा, अभी डॉक्टरी करो, सीए करो, तो वो अलग प्रोफेशनल हो गया है। इंजीनियर करो, डिग्री लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे समाज में तो कुछ, राजस्थान में कुछ होने वाला नहीं। मेरे भतीजे के लड़के ने इंजीनियरिंग की और आज वो दुकान में बैठा है। मेरे सगे भतीजे के लड़के ने इंजीनियरिंग की, 2 साल गया, और ये क्या तू पगार लेके आया, तू वहां से लेके आ रहा है 6-7 लाख का पगार लेके पैकेज लेके आ रहा है, और बाप बोल रहा है दुकान में 30 लाख रुपया कमा रहा हूँ। 30 लाख का धंधा करेगा या 6 लाख का वो पगार लेके आया। मेरे लड़के का भी यही हाल है। लास्ट लड़का इंजीनियर कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला छोड़ो यार, इसमें कुछ दम नहीं है अभी। क्या 3 साल तो कर लिया तुमने,
कुछ रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, गोली मारो दुकान पे बैठ जाओ। वो बैठ गया दुकान पे, सही माने में वो मारवाड़ी समाज में ये सबसे ड्रॉबैक है। ये अच्छी बात भी नहीं है और खराब भी नहीं, लेकिन ड्रॉबैक भी ज्यादा है। पढ़ने के बाद वो हर काम तो करेगा नहीं, करेगा नहीं। अच्छा, और वो घर में भी क्या बोलेगा, कॉलर टाइट होगा। और अपने हम लोगों का तो कल्चर चौपाल कल्चर है, बराबर है, तो उसको तो कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, वो चाहिए। हम लोग तो नीचे बैठ के काम करने वाले हैं, हम लोग खुद झाड़ू निकालने वाले हैं। वो काम करेगा नहीं, किसी को भरोसे रखे नहीं, और वो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बोले अपना बेटा हुए, हम लोग झाड़ू निकाले और वो बैठा रहे, कैसे बर्दाश्त होगा? ये डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कुछ अपना बताइए, आप अनुभव साझा। मैं मतलब समझो 93-94 में तो चेन्नई गया था, तो मैंने 8-10 साल सर्विस किया। अच्छा। कटले की दुकान में, और फिर धीरे धीरे कुछ अलग से बिजनेस करने लगा। फिर मैं मेरे घर में परिवार में अकेला आदमी था, मेरे पिताजी बुजुर्ग थे, तो वहाँ कम रहना पड़ता था, यहाँ आना जाना मैं साल में 3-4 बार हो जाता था। अच्छा, तो कुछ बिजनेस में कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद पिताजी ज़्यादा बीमार रहने की वजह से कंटिन्यू 5-6 साल तक राजस्थान में था। उसके बाद मैं जाके छोटा सा एक विलीपुरम तमिलनाडु में गाँव है, वहाँ जाके छोटा बिजनेस है। अभी भी वहाँ ऐसे ही है बिजनेस, जाता हूँ आता हूँ और अपना काम चलाता हूँ। अच्छा, उसी हिसाब से आना जाना बना। बाकी यहाँ जो किसान की खेती बाड़ी है वो भी हमारे घर में है, तो वो भी थोड़ा देख रेख करता हूँ। बिल्कुल, इस गांव में जब मैं आया हूँ तो एक कहावत कही जाती है, किसी गांव की समृद्धि खुशहाली यदि आपको देखनी है तो उस गांव के मंदिर में जाइए। आपको हर गांव के हर घर में नहीं जाना है, उस गांव के सिर्फ आप उस मंदिर में यदि चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा उस गांव में खुशहाली कितनी है, उस गांव के लोग कैसे हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो यूपी बिहार के लोगों के लिए चौंकाने वाला है, एक शानदार मंदिर, एक शानदार जैन मंदिर, और वो भी पक्षीघर, ये दूसरा जो मंदिर पर जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो ठाकुर जी का मंदिर, और वो मुझे लगता है कि मतलब करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं इन सब चीजों में, तो ये पता चलता है। और जबकि ज्यादातर लोग गांव में नहीं रहते हैं, आना जाना, और सबके घर जो है वो आलीशान है, भले उस पर कोई रह नहीं रहा हो, सबके घर आलीशान है। एक भी घर चाहे बाबूलाल जी का है, इनके चचेरे भाइयों का है, इनके अपने भाइयों का है, चंदनमल जी का है, इनका अपने भाइयों का घर देखा, इन सबके घर यदि आप देखेंगे तो आपकी आंखें फट जाएगी कि लोग जो रहते नहीं है इतना शानदार घर। कहने का मतलब ये है कि लोग गांव से भी जुड़े हुए हैं अपने संस्कार और संस्कृति से, सबके सब चेन्नई में रहते हैं, आए हैं, और ये लोग आते जाते रहते हैं आप हमेशा। इससे गांव भी जीवंत है, व्यवसाय और धंधा भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि लोग जो है बिल्कुल गाँव छोड़ दिया तो वो गाँव की संस्कृति और कल्चर सब खत्म हो जाता है। इस चौपाल का उद्देश्य कतई ये नहीं था कि लोगों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, जैसा चंदन मल जी ने बहुत जोर देकर के कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। कई बार इसका अफसोस होता है, होता है सर, पक्का होता है। हाँ। जैसे भी मैं 3-4 दिन फॉरेन भी गया, फॉरेन भी गए, साधारण दबे गए, ज्यादा भी रहेगा सर, दिक्कत आती है, क्योंकि बोल नहीं पाते हैं, कोई इनको साथ में रहता तो उससे काम चलाना पड़ता है। हम लोग साथ में भी फॉरन गए हुए, बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों हम लोग, हाँ यस, साथ में भी गए हुए। तो बहुत ज्यादा गए, बहुत ज्यादा। एक व्यक्ति जो जीवन भर इतना कुछ कर ले, जिंदगी भर की कमाई लेकर के भी, एक ऑफिसर बिहार यूपी के बच्चे यदि कोटा में पढ़ लिख करके इंजीनियर बन भी जाते हैं तो जिंदगी भर की कमाई से वो एशिया के एक देश भी बैंकॉक भी नहीं जाकर के घूम पाते हैं, क्यों, हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं। बन तो गए इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन लोग एक हिम्मत भी नहीं करता कि फॉरेन ट्रिप कर पाए। लेकिन यदि ये लोग कहते हैं कि इन्होंने दुनिया देखा है, दुनिया घूमा है इन्होंने, तो निश्चित रूप से ये उद्देश्य ये है कि बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, कि आप अपने बच्चों पर इतना प्रेशर मत डालिए, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है जीवन में, कहीं से भी कुछ भी शुरू किया। बच्चों पर प्रेशर कतई नहीं करे कि तुम इंजीनियर नहीं बनोगे तो क्या होगा। लेकिन कई बार भौगोलिक परिवेश भी होता है, देखिए बिहार यूपी के साथ समस्या क्या है कि यदि वो नहीं पढ़ेंगे तो उनके पास कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये भी एक समस्या है। शिक्षा वहाँ, जैसे मैं देखता हूँ कि बिहार यूपी में, पूर्वी यूपी और बिहार में सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है, कोचिंग। अच्छा,
कोचिंग। और यदि आप अखबारों में एड देखेंगे, एडवर्टीजमेंट अखबार में और रीजनल चैनलों में, तो आपको क्या मिलेगा? कोचिंग का। कोचिंग का। यहाँ पर रीजनल अखबारों में आप लोग भी कुछ छोटा मोटा एड दे सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा प्रचार हो रहा है, आपका बिजनेस है वो, वहां ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ कोचिंग का बिजनेस चलता है। मुझे लगता है कि बदलाव बहुत जरूरी है, कि शिक्षा सिर्फ शिक्षा दिन रात ये नहीं, कितना प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये सबके सब एक उदाहरण है देश और समाज को, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और यदि चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, अलग अलग जगहों पर रह करके वहाँ की कमाई से अपने गाँव को खुशहाल किए हुए हैं, सुंदर और भव्य बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये समझना जरूरी है हर किसी को कि शिक्षा किस सीमा तक उसके मायने हैं। और शिक्षा जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना प्रेशर नहीं हो जाना चाहिए, ऐसी मजबूरी नहीं होनी चाहिए शिक्षा। बिल्कुल सही बात। शिक्षा को मजबूरी नहीं बना देना चाहिए, और बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं कि बच्चा अपना बचपन खत्म कर ले और अंत में अपनी जिंदगी खत्म कर ले। जिंदगी जीने के लिए है, शिक्षा के लिए तरफ तरफ के मरने के लिए नहीं है। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद।